जो कौन है मेरा है देखा तेनू नित सुबह शाम वे ताई खिड़दा है मेरा चेहरा हाय ओ मेरी जान ना हो परेशान बिना तेरे मेरा सरना नहीं ये माया तेरी खैर हो बेचारों पैर शाला होर कुछ मंगना हाय एवरीवन दिस इज मेघा एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्थडे के लिए एक न्यू वीडियो प्रोजेक्ट, जिससे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे के लिए ऐसी वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटी के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ। इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपको इस 1:1 वाली रेशियो को ले लेनी है। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करना है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 7 पिक्चर्स को ऐड किया था तो मैं इसको इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद इन सब में हम लोग स्टार्ट पोजीशन एंड एंड पोजीशन को ऐड कर लेंगे। तो आपको इस प्रॉप वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे एंड पोजीशन को, तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड एंड पोजीशन को। इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड क्लासिक ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें क्रॉस फेड वाली इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो सारे में ऐड कर लेंगे। एंड इसको 30 सेकेंड्स रख लेते हैं। ओके एंड इसके बाद इस वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम लोग इस 16:9 वाली रेशियो को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे। तो हम लोगों ने उस वीडियो में जिस सिक्वेंस से पिक्चर्स को ऐड किया है उसी सिक्वेंस से हम लोग इसमें भी ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों ने इस पिक्चर को ऐड किया था। ओके इसके बाद इन सब में भी हम लोग स्टार्ट पोजीशन एंड इन पोजीशन को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन को रख लेते हैं एंड यहाँ पे इन पोजीशन को। ओके तो सारे में ऐड कर लेंगे स्टार्ट पोजीशन को एंड यहाँ पे इन पोजीशन को। उसके बाद इन सब में भी हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप लोग ऐड कर सकते हो। तो सारे में हम लोग डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड कर लेते हैं। ओके इसके बाद इन सारे पिक्चर्स की विग्नेट को ऑन कर लेंगे। एंड इसके बाद आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड इसमें ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड सेटिंग्स में आके इसको 4 रख लेते हैं एंड इसको भी एंड तक रख लेंगे। ओके इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे जो मैंने वीडियो प्रोजेक्ट को बनाया है इसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसको स्क्रीन करना है।
ओके, इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके हमने जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। एंड इसको क्रॉप कर लेते हैं तो मास्क को एनेबल कर लेंगे। एंड सर्कल वाली शेप इसमें ऑलरेडी ऐड हो गया है तो इसको बस बढ़ा लेते हैं। एंड इस टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक और पिक्चर को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसको भी क्रॉप कर लेंगे सर्कल वाली शेप में। ओके, एंड फिर से टेम्पलेट वीडियो को ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एंड इस पिक्चर को यहाँ पे रख लेंगे। एंड इसको एंड तक रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था, इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। एंड इसमें फॉन्ट स्टाइल को ऐड कर लेंगे एंड इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। एंड इसको भी एंड तक रख लेंगे। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है एंड सॉन्ग इसमें ऑलरेडी ऐड है। एंड अगर आप लोग सॉन्ग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग टेम्पलेट वीडियो की साउंड को ऑफ कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ से ऑडियो फाइल में आके आप अपनी फाइल से कोई भी सॉन्ग इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स बेटा सुन।